बाद मैंने प्रैक्टिस की एंड इट वाज सो बैड। वाओ द स्टेज इज ह्यूज और क्राउड भी बहुत होने वाला है। आई एम नर्वस। ओके वाह व्हाट अ लुक। दूसरे वाले कभी रेडी करके ही जाओ फिर यहाँ से। वहाँ की मम्मा कैसे किया, मैंने ठीक किया कि नहीं? तो अब मैं जयपुर से डायरेक्टली यहाँ पर आई हूँ रिहर्सल करने के लिए। और आज हमारा, मेरे पास सिर्फ 3 दिन है रिहर्सल के टोटल, ना 3 दिन। और बाद में डायरेक्टली टेक्निकल है। आई एम सुपर नर्वस। ऊपर से लिफ्ट विफ्ट दे दिया है इसने। सो आज हम स्टेज पे भी प्रैक्टिस करने वाले। लड़कों के साथ मैंने प्रैक्टिस की एंड इट वाज सो बैड। तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। रिहर्सल हो गया है, हमने लड़कों के साथ किया, वो शूट ही नहीं किया, कल करेंगे अभी। आई वॉन्ट टू जस्ट सी द स्टेज एक बार ना, रेडी नहीं है ग्रास करायला आज। हाँ आज स्टेज रिहर्सल होने वाला था पर आज नहीं हुआ बिकॉज द स्टेज इजंट रेडी, द कार्पेट इजंट सेफ। सो दे आर लाइक डांसर्स मार्क कर सकते पर आर्टिस्ट स्टेज पे नहीं जा सकते, इट इज़ नॉट सेफ, ये वो। बट आई जस्ट वांट टू सी द स्टेज, इट्स ह्यूज। ये तो पीछे का साइड है जहाँ पर लोग रेडी वेडी होते हैं, सब पागलपन इधर होता है, ऑडियंस सामने होती है। I want to just go and check it out. ये है स्टेज। बाप रे, मैंने रिहर्सल ही नहीं किया स्टेज पे, कैसे होगा यार? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। पीछे के पहाड़ वहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, बट इट्स ओके। चलो अब कल मिलते हैं, कल टेक्निकल से। तो आज हम टेक्निकल्स के लिए आए हैं। दिस इज हाउ यहाँ पर काम चल रहे हैं। द सेट इज गेटिंग रेडी। हाय या तो इट्स वेरी हॉट इन हियर। हाँ वाओ द स्टेज इज ह्यूज और क्राउड भी बहुत होने वाला है। आई एम नर्वस। ओके डरियो मत, मैं हूँ। आवाज लगाता रही हूँ लेकिन। एक्साइटेड है टेक्निकल साड़ी? नो नो, यू आर नॉट एक्साइटेड फॉर द टेक्निकल? ओ या इट्स वेरी हॉट, बहुत ज्यादा ही धूप है। No, no, it's fine because then I'm going to have to dance anyway. So I might as well get used to it. Yeah, ata sauri bas le then fir se dhoop mein fir tum jaisa tikka aur bhi zyada. Ye kya hai? Nahi theek hai actually. Ye theek hai ki aapko halka, ye theek hai kyunki iska ye handle gol hai na aur ye thoda to better grip mil raha hai. Ha, acha lag raha hai mujhe. I like this. मैं आपको दिखाना चाहूंगी आज हमारे कोरियोग्राफर्स कितने ज्यादा हॉट लग रहे हैं। वाह व्हाट अ लुक। तो अभी मेरी रिहर्सल हो गई है स्टेज पे और अभी हम कॉस्ट्यूम ट्रायल्स कर रहे हैं। और ये कॉस्ट्यूम्स हमें बना के दिए हैं सैकोरीना ने। सैको वो है जिसने मेरा नागिन का आउटफिट बनाया था। और नागिन के बाद अभी हम डायरेक्टली अभी मिल रहे हैं एंड शी इज मेड दिस कॉस्ट्यूम। आई एम एक्साइटेड, अभी ट्रायल्स करेंगे, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। ओके तो ये है हमारा कॉस्ट्यूम, थोड़े ऑल्टरेशंस बाकी है पर ये स्टिच करने वाले ना। फिक्स हो गया। अच्छा हो जाएगा तो इसको पूरा ऐसे हम स्टिच करेंगे यहाँ पे शोल्डर पे। नहीं पर मुझे ये सामने लहंगे पर नहीं चाहिए साड़ी, ये नहीं चाहिए, नहीं इधर से शुरू होनी चाहिए। ओके यहाँ से करूँ? हाँ फिर नहीं नहीं ये कपड़ा इधर से शुरू हो रहा है ना। हाँ ये नहीं यहाँ से शुरू होना चाहिए, नीचे वो यहाँ से चाहिए आपको लाइक दिस, ये देखो। हाँ ऐसा पतला, ये पतला ऐसे जाएगा। करेक्ट, ये वाला पार्ट चाहिए आपको इतना। करेक्ट हाँ। और ये स्कर्ट या जो भी मतलब अपन ने जो प्लाजो किया हुआ है वो वैसे ही नेकेड ही रहने दो ना, ऐसे अच्छा लग रहा है। पतला सा कर देते हैं जो आपको डिस्टर्ब ना हो डांस में। हाँ पीछे ना। हाँ हाँ पीछे चलेगा, ये एज इट इज, ये वाला पूरा निकल जाएगा और सिर्फ लहंगा रहने दो। हाँ ये कुछ भी नहीं रहेगा, आई थिंक ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। हम 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी भगाएंगे, 45 डिग्री के एंगल पे अगर हमने उसको जंप कराया, पक गाड़ी उस तरफ।
नाउ वी डन विद आवर रिहर्सल. रिहर्सल हो गई है, पढ़ते हैं अपने दिन के साथ. लेट्स गो. और आई थिंक अभी तो डायरेक्टली हम कल ही मिलेंगे ऑन द डे ऑफ इवेंट एंड यू गोइंग टू सी ऑल द मैडनेस. क्योंकि सबसे पहले मुझे रेडी होना है रेड कार्पेट के लिए. रेड कार्पेट के बाद मुझे यहाँ पर रेड कार्पेट करना है, फिर यहाँ पर आके इवेंट के लिए चेंज करना है, फिर परफॉर्म करना है, फिर चेंज करना है दूसरे आउटफिट में, और फिर अवार्ड्स के लिए बैठना है. ओह गॉड, टुमॉरो इज अ लॉन्ग डे. और कल मेरी फ्रेंड्स के साथ मेरा लंच भी है. परफेक्टली बैलेंस्ड दिस होल थिंग शुड बी. दिस इज द डे ऑफ द इवेंट. अभी हम रेडी हो रहे रेड कार्पेट के लिए, और जुलेखा दीदी को जाना है एक दुल्हन को रेडी करने के लिए भी. एंड टर्न्स आउट कि वी आर नॉट गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ टाइम इन बिटवीन टू चेंज. तो अभी मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि मैं परफॉर्मेंस के लिए पहले रेडी हो जाती हूँ, बाद में रेड कार्पेट करती हूँ. सो नाउ दिस इज गोइंग टू गेट बैक टू अस ऑन दैट. नीरज इन द हाउस. सो नाउ आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज, क्या करे, मैं जाके रेड कार्पेट कर लूँ? फिर आप थोड़ा लेट नहीं जा सकते, दूसरे वाले का भी रेडी करके ही जाओ फिर यहाँ से. वहाँ की यहाँ आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. टॉकिंग अबाउट दैट लुक, हेयर हो गया है 15 मिनट में. जुलेखा दीदी भाग रही है, बाय. Now he is going to take his time for makeup. Okay, so हमने award ले लिया है. Thank you for all the love for Nagin. Thank you for the award. I am more than happy to be receiving it, especially for Nagin, because मुझे सच में लगता है कि I've just got so much love and so much recognition with Nagin. And वो मेरा हमेशा ही सबसे like favorite show रहेगा. Especially for all the people that love me for the show. So thank you all for that. Thank you. So now we are going to start with our photo shoots here. हमने shots ले दिए हैं. Photo shoot के बाद we're going to start changing the outfit. Okay, costume के साथ हम तैयार हैं अभी. Let's start. हम लोग का literally photo shoot हो गया and Zulekha the entered. Like इतना correct timing है. क्या करूँ यार, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं. आप फास्ट नहीं चलाते ना भाई, तो फिर गड़बड़ हो जाता. फिर परफेक्ट चलाया, परफेक्ट चला है भी उड़ा के लाई हूँ. हाँ मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि शी वॉज गेटिंग अ ब्राइड रेडी एंड द ब्राइड इज सो स्वीट. शी वॉज लाइक आप मुझे रेडी करके चले जाओ, चलेगा. मुझे सो रेयर आई फील लाइक ब्राइड्स बेचारे उनका दिन होता है, उनको बहुत शौक होता है ना रेडी वेडी होने का. बट दैट्स सो स्वीट सेंट हर. एक्चुअली प्रॉपर वेडिंग नहीं था ना इसके लिए, संगीत था इसके लिए चल गया. वेडिंग होता तो फिर थोड़ा सा. हम रेडी हो रहे हैं, हम अपना हेयर कर रहे हैं. लुक हु इज हियर, आशीष द मैन. मैंने उसको बोला कि अभी तू आया, अभी मैं व्लॉग ही शूट कर रही थी. एंड ही इज ऑलवेज जस्ट लाइक, अरे कुछ तो शूट करो, कुछ तो भेजो, जल्दी भेजो. सो नाइस टू मीट यू. क्या कर रहा है इधर, व्लॉग में शूट ही कर रहे हैं? किसी और का शूट कर रहा हूं, आपने बुला रहे हो. हंसते चेहरियां का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्हें तकलीफों से डील करना होता. बिल्कुल सही. अरे यार, पर तू तू इतना अच्छा एडिट करता है. मैं अपना खुद ही करती हूँ, माफिया. मैं खुद ही कितनी अच्छी कैमरा मैन हूँ. लुक एट द टेकिंग, लुक एट द एंगल, लुक एट द फ्रेम, लुक एट द लाइट फ्लिकरिंग. एकदम नजदीक आ जाता है. आई नो, मेरा डबल चिन भी दिखता है. मैंने देखा गोवा वाला व्लॉग. अपना खा रही है सब, इधर ऐश कर रहे हैं मुझे यहाँ पर काम. ये काम कर रही है एक्चुअली, सभी कर रहे हैं वैसे. ये आशीष को छोड़कर तुझे कैसे पता चला मैं आऊँ? अच्छा, नाम लिखा हुआ देखा वैनिटी पे. वैनिटी पे सॉरी, अजमल भाई मिले. अजमल भाई अच्छा, अंदर मैडम. हाँ एक बार दर्शन दिखा के आते. मुझे भी भूख लग रही है यार. ओके, अभी परफॉर्मेंस हो गया एंड वी आर लाइक सुपर नर्वस. सपने तो देख लिया, मैंने अकेली नहीं देखा है. तो दीस गाइस हैव रिकॉर्डेड इट फॉर मी. किधर है? अच्छा हाँ, सॉरी मैं देखने वाली हूँ. कैसे किया मैंने, ठीक किया है कि नहीं? कैसी लग रही मैं? अच्छी लग तो रही है. अच्छी टुडे. अब मेरी 3 बजे की फ्लाइट है. I've just had such mad schedule lately. It's nice also, but see you.